नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल साउंड टेक पे, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है स्ट्रेंजर की तरफ से MCA 516। तो दोस्तों, इसका मैं आज रिव्यू और साथ में टेस्टिंग करने वाला हूँ, जो कि मैंने यूज किया है कस्टम मेड JBL से दो सिंगल टॉप, जिसमें मैंने स्पीकर डाला है 15 इंच का 500 वाट का पी ऑडियो का स्पीकर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसका रिव्यू और टेस्टिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये है स्ट्रेंजर की तरफ से MCA 516 500 वाट का एम्पलीफायर है। तो दोस्तों, देखते हैं इसका फ्रंट लुक। शुरुआत करते हैं बाईं तरफ से। यहाँ पर दिया गया है माइक के लिए माइक 1, माइक 2, 4, 3 और 4 का माइक का इनपुट सॉकेट, और उसी के यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम कंट्रोल का बटन, जिसको माइक 4 तक दिया गया। और जो माइक 5 और माइक 6 थोड़ा अलग है, जो कि अगर हम लोग ये वाला बटन जो दिया गया है, इसको अगर हम लोग ऑन करते हैं तो माइक 5, और इसको ऑन करते हैं तो माइक 6 काम करेगा, नहीं तो अगर ऑफ करते हैं इस तरीके से तो ये ऑक्स 1 और ऑक्स 2 को काम करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर हर एक माइक वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर दिया गया है माइक ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए छोटा छोटा रेड कलर का बटन। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है मल्टी इनपुट ऑडियो एम्पलीफायर, यानी कि यहाँ पर मल्टी इनपुट जो कि है 6 इनपुट्स दिया गया है, जिसमें से 4 इनपुट्स माइक के लिए डायरेक्टली काम करेगा और 2 इनपुट जो है माइक 5 और माइक 6 साथ में हुए ऑक्स 1 और ऑक्स 2 में काम करेगा। जो कि ऑक्स 1 का यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो वोल्ट सिस्टम है तो वोल्ट में काम करेगा, जो कि 1 वोल्ट के लिए है। साथ में ऑक्स 2 में यहाँ पर दिया गया है 100 MB। तो दोस्तों, उसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर हमारा 2 कंट्रोल दिया गया है, जिसमें से ट्रिबल और बेस दिया गया है। ट्रिबल का ये ऑप्शन है, तो बेस के लिए ये ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हॉर्न भी चला सकते हैं, जिसमें से ये बटन दबाने से स्पीकर होता है, तो अगर ऑफ करेंगे तो हॉर्न भी चला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम का फेडर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया दिख रहा है देखने में। स्ट्रेंजर के दूसरा एम्पलीफायर वगैरह में यहाँ पर वॉल्यूम ऐसे कंट्रोलर दिया जाता है, लेकिन इसमें जो दिया है फेडर दिया गया है, वॉल्यूम का फेडर दिया गया है। साथ में यहाँ पर आप स्ट्रेंजर का लोगो देख सकते हैं, जो कि क्लियरली विजिबल है। साथ में यहाँ पर जो इंडिकेटर्स दिया गया है, जो कि ग्रीन से होते हुए पीला और लाल तक आती है। और साथ ही में उसके नीचे देख सकते हैं आप इसका मॉडल नंबर, जो कि है MCA 516 MCA 516। और यहाँ पर देखते हैं पावर बटन, जिसकी वजह से हम लोग एम्पलीफायर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है येलो इंडिकेटर में टेम्परेचर का, रेड इंडिकेटर में ओवरलोड का, और ये वाइट इंडिकेटर में पावर का। तो दोस्तों, देखते हैं इसका बैक लुक। तो दोस्तों, ये है इसका बैक लुक, जहाँ पर दिया गया है इसका मॉडल नंबर, जो है मैंने पहले बताया MCA 516, और जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है। तो यहाँ उसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेंजर का लोगो दिया गया है, साथ में इसका मॉडल नंबर दिया गया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिया गया है। तो ये जो है पावर केबल है, जहाँ से हम लोग AC में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि 220 वोल्ट से ऊपर में चलेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा अर्थिंग का ऑप्शंस भी दिया गया है, अर्थिंग। और यहाँ पर दिया गया है रीसेट का बटन, जो कि अगर आपका एम्पलीफायर ओवरलोड होता है तो यहाँ पर आप ये बटन प्रेस करके रीसेट भी कर सकते हैं। मेड इन इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये कोलकाता का ब्रांड है स्ट्रेंजर, तो काफ़ी बढ़िया एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर इसका फैन दिया गया है, जो कि मोनो एम्पलीफायर है, इसीलिए एक ही फैन दिया गया है। साथ में यहाँ पर देखते हैं कि इसका आउटपुट का सेक्शन, जिसमें सबसे ऊपर में दिया गया है लाइन आउट, यानी कि दूसरा एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर दिया गया आउटपुट के लिए यहाँ पर कॉमन दिया गया है 2 ओम्स और 4 ओम्स दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ब्लैक वाले तार इसमें 2 ओम्स कॉमन में कनेक्ट करके, कोई भी रेड वाला तार 2 ओम्स या तो 4 ओम्स में कनेक्ट करके हम लोग स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी तरीके से मैंने पहले बताया था कि इसमें हम लोग हॉर्न यानी कि यूनिट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया गया है कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन, जहाँ से हम लोग कॉमन में ब्लैक वाले तार और 70 वाट और 100 वाट में रेड वाला तार कनेक्ट करके हम लोग हॉर्न भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और इसका टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि इसमें मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ 2 सिंगल टॉप, जिसमें मैंने डाला है पी ऑडियो का 15 इंच का 500 वाट दोनों, यानी कि टोटल मिला के 1000 वाट इसको आउटपुट देगा। तो दोस्तों, ये एम्पलीफायर जो है 500 वाट का है, लेकिन इसका आउटपुट 1000 वाट तक दे देती है। तो आप अपने हिसाब से इसको चलाइए।
तो दोस्तों चलिए इसमें स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा रहता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और टेस्ट करते हैं इसका साउंड क्वालिटी। और इसको ऑन करते हैं, मैं यहाँ से ऑन करता हूँ ऑन ऑफ बटन से। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सिस्टम ऑन हो चुका है, यहाँ पर पावर का लाइट जल चुका है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है ऑक्स वन में मैंने एक ऑक्जिलरी सिस्टम और साथ में माइक में मैंने एक माइक वायर वाला माइक मैंने इनपुट किया है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट आवाज़ मेरा आएगा तो वो माइक से आएगा, जैसे कि आप सुनेंगे। हेलो, तो दोस्तों ये जो है इसका माइक का वॉल्यूम और माइक का टेस्टिंग। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट किया है ऑक्सिलरी में, ऑक्स वन में एक ऑक्सिलरी सिस्टम, जहाँ पे मैं गाना प्ले करके आपको दिखाऊंगा और टेस्ट कराऊंगा इसका साउंड भी चेक कराऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एम्पलीफायर का क्वालिटी, जिसमें जो सिस्टम दिया गया है साथ में इसका साउंड क्वालिटी, जो कि 500 वाट की होने के बावजूद भी ये 1000 वाट में भी बढ़िया से काम करता है। दोस्तों JBL का मैंने कस्टम मेड दो सिंगल टॉप में मैंने इसमें जो फिट किया था, जैसे कि आप देख पाए हैं इसका। तो आप अगर ये वीडियो को अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही में इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही में मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।